देखिए तो शुरू हो गया था ना, कुछ हो गया था ना इसमें। तो जैसे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करते हो इस टाइप से विंडो आती है, यहाँ से पेज की सेटिंग करने के बाद ये पेज आपके सामने आ गया। ठीक है, तो पिछली क्लासों में कुछ बताया गया होगा तो इस टूल्स के बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये क्या करता है, सेफ, मतलब उसका नाम ही है सेफ टूल। क्या है, तो F10 से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे काम करता है सेफ टूल, तो यहां से आपको फ्री हैंड पॉइंट लाइन ब्रिजर आर्टिस्ट मीडिया तो इनका यूज करना होता है, तब जाके आप सेफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरीके से जब हमारे एक लाइन खींची तो इसको किस सेफ में कन्वर्ट करना है उस सेफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये कर्व में बदल गया ना, लेकिन इसके अलावा भी हम हाँ इसको कई टुकड़ों में बांट सकते हैं, कई प्रकार के शेप में कर्व में बदल सकते हैं। यहां पर डबल क्लिक किया, देखिए हो गया, यहां पर डबल क्लिक किया, ये हो गया। अब यदि हमें मतलब पॉइंट बनाना है तो देखिए केवल यहां से मुड़ेगा, इसमें देखिए इस पे क्लिक किया, ये कैसा मुड़ेगा, ये ऐसा होगा, देखिए हो रहा है ना, देखिए। लेकिन हमने कहा नहीं कॉर्नर बनना चाहिए तो ये इस पर क्लिक कर दिया, देखिए वहां सेट हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम जिस आकार में चाहे उस आकार में हम बना सकते हैं, जैसे ये एन टाइप में बन गया। लो तो इसको कहा गया है शेप टूल, क्या कहा गया है, शेप। ठीक है, इसमें ये होता है, इस वक्त ब्रश होता है जो क्या काम करता है, देखिए आ गया उस शेप में, जैसा जिस जगह ले जाओगे उस जगह उस लाइन को आगे फॉरवर्ड कर देगा, देखिए कर दिया। जितनी साइज इसकी बढ़ाओगे उतनी साइज में वो, अब सेफ टूल्स की मदद से हम इसमें भी काम कर सकते हैं। देखिए आ रहा, तो जैसा हम चाहे वैसा सेप बदल सकते हैं। फिर इसके आगे एक और टूल्स आता है रफेल, लिखा है ब्रश, ये क्या काम होता है, देखिए जैसे तुमने देखा होगा टाल्स के रफ टाल्स ले लिए चिकने और दरदरे, तुमने देखा होगा टाल्स रहते हैं बहुत चिकने होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कई बार देख खुदरे दरदरे जिसे कहते हैं रफ, मतलब एकदम चिकने नहीं है रफ है, ठीक है दरदरे टाइप के, गिरेंगे नहीं पानी लगने के बाद गिरेंगे नहीं। तो इस तरीके का सेफ तैयार करना है तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करता है, जी देखिए देखिए कर रहा है ना, अब कैसे गिर जाओगे, तो फंसी जाओगे। इसको कहा गया रफ है, जिस आकार में बदलना कैसे, इधर से और बढ़ा सकते हो, अभी जैसा आ रहा था अब और स्थिति गंभीर हो गई, देखिए और बढ़ा सकते हो, अब 45 डिग्री में चल रहा है आप 90 डिग्री में कर सकते हो, तो ये डिग्री भी चेंज कर सकते हो यहां से, देखिए
अब नाइट डिग्री में वो बनने नहीं दे रहा है, छोटा कर लेते हैं, लाइन खींच देते। चलो तो रहा है जी, कन्वर्ट नहीं हो रहा जी। ठीक है, रफेल हो रहा है, देखिए कैसे लाइन कर्व, इस पे क्लिक करो, ये सेव टूल। अब यहां से हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। तो जितनी डिग्री में आपको करना है उतनी डिग्री में आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। देखो दिख रहा है ना, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आया फ्री ट्रांसफॉर्म, इससे घुमाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको जब भी किसी भी दिशा में यदि कोई भी आकृति जैसे ये बनाई जाए, अब इसको आप घुमाना चाहते हो, देखिए घूम रहा है, तो वैसे भी हम घुमा सकते हैं। घुमाने का तरीका हमने एक और सिंपल देखा कि लाइन खींची, दूसरा इस पे जाके इस पे क्लिक किया, जे यदि जैसा वैसा घुमाना है तो यहां से घुमा सकते हैं। उन्हें कहा 10 डिग्री, उन्हें कहा 50, उन्हें कहा 60, घूम रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, जैसे मान लो कई बार ये आए, अब वॉच बनानी है, तुम देखते हो तरह तरह की वॉच बनी रहती है मार्केट में, मतलब इसमें इंटरनेट पर, तो वॉच कैसे बनी, वॉच रहता है, तो सबसे पहले हमने इसके पार्ट बनाए। कितने बनाए पार्ट, क्या पार्ट बनाया, यहां से हमने सीधी लाइन खींची, ठीक है जी, सेंट्रलाइज हो गया होगा। अब कितने खंड रहते हैं, बार, कितने खंड रहते हैं, बार। तो 12 खंड बनाने के लिए हमने क्या किया, या चाहो तो 60 भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो 60, फिर हम बीच के बड़े कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसका 12 बनाते हैं। 12 बनाने के लिए अब गणित आना जरूरी है, यदि गणित नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक परिधि कितनी होती है, कितनी एज चाहिए आपको 12, तो 12 का भाग दे दिया ना आपने। अब आपने क्या किया, यहां से देखिए ये लिखा है ऑप्शन, कंट्रोल जे करेंगे आप, कुछ इस तरह से आएगा। तो यहां पर देखिए सारा बंद करते हैं, वर्क स्पेस की जगह आपको जाना है डॉक्यूमेंट के अंदर, जर्नल पे जाना है, और यहां से 0 क्लिक किया, 0 यहां क्लिक किया, ओके कर लो, बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पर मिड पॉइंट जो है वो आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले आपने इस पे क्लिक किया तो देखिए एक डॉट आया, आया ना जी, मिड पॉइंट है, देखिए सेंट्रलाइज हो गया। अब आपने क्या किया, कंट्रोल डी किया, क्या किया, और कितने डिग्री में घुमाया, कंट्रोल डी करते जाइए, बन गया ना। यदि ये तो हो गई अपनी एज फाइंड हो गई, कंट्रोल जेड। अब एक छोटी एज चाहिए, तो आपने क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया और इसको छोटा कर लिया, चाहो तो कलर चेंज कर सकते,
कलर चेंज कर दी। आ गया ना, क्लियर? इसका मिड पॉइंट देखा कहां है, ये दिख रहा, दिख रहा ना? तो यहां से अभी आपको कहां जाना पड़ेगा, इसको ले जाके सेंटर, हो गया ना? अब आपको करना क्या है, कितने चाहिए आपको, 60। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 360 डिवाइड बाय कितना डिग्री घुमाएंगे इसको, 6 डिग्री पर, कंट्रोल डी किया, 6 डिग्री कर दिया, हो गया ना? लेकिन आप चाहते हैं स्टार्ट हो गया ना, इस बीच में कैसे आएगा? चलो ठीक है, ढाई हो जाएगा। हाँ हो गया ना। अब आपको नंबर की बारी आई, नंबर लिखना है। तो नंबर लिखने के लिए आपने क्या किया, यहां से लिखा वन, लो वन हो गया। अब क्या करोगे, इसको भी वैसे ही सीधा सिंपल, इस पर क्लिक किया, फिर स्लाइड इस पॉइंटर को ले जाके मिडल कर दिया, और क्या करोगे, कंट्रोल डी, कितना डिग्री घुमाओगे, कितना, तीस, कितना, फिर कंट्रोल। आप क्या करोगे, सीधा टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अरे 12 है यार, वन हेलो, हाँ हाँ, हमारा कहने का मतलब अपन को दिक्कत नहीं आया बस, और क्या, हाँ हाँ बस सही है तो, हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अपन को करवा लो कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत बस अपन को बस नहीं बने, और कोई, हाँ बस यही बस नहीं, हाँ अब देखो, अच्छा तो नाइन जैसे लग रहा, नाइन ही तो नहीं लगा था हमने, हाँ तो पलट दे ज्यादा है, ठीक है बन गया। अब आपको क्या बनाना होते हैं, लीवर, जिसे हम कांटे कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप एक मिड पॉइंट बना दो,
ठीक है। अब सेंटर में कैसे आएगा, दो तरीके हैं, एक तो इसको क्लिक करो और एक इसको क्लिक करो और सी और ई कर दो। ध्यान से देखो, एक और शिफ्ट के साथ, कंट्रोल एक और ये दो और सी ई, ये आ गया सेट। ओके, ठीक है। अब लीवर बनाने के लिए आपके पास एक तो जे ऑप्शन है। अब लीवर कई प्रकार के आप मार्केट में देखते हैं, तो हम बनाते हैं, अलग से बनाते हैं। यहां पर एक सीधी ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा सा गैप कर दिया, ठीक है। फिर वापस हमने उसी को लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जोड़ दिया, इधर से सिंपल बन गया ना, चाहो तो इसमें फिल कलर इधर से भी भर सकते हो, ये भर दिया। उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। अब मान लो इधर कई बार ऐसे रहते हैं, ऐसे तीर टाइप के, तो वैसे भी बना सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे, एक तो तरीका यही हो गया, इधर से कट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इधर से एक और कट लगाएंगे, देखो ध्यान से, यह ज्यादा दिक्कत है और एक्यूरेसी में चाहिए, ये आ गया। बन गया ना, जैसा चाहिए हम वैसा सेव कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिन नो लाइन, और इसको चारों तरफ से हमने आ गया ना। अब इसको अभी हम रखेंगे यहां सेंटर पर, एक बार वो क्लिक करके इसका भी सेंटर यहां बना देंगे, जिससे हमें यदि 8 बजाना पड़े 9 बजाना पड़े तो घुमा सके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो देखिए आ गया ना, जी सेंटर नहीं हुआ क्या, ठीक है। अब क्या होगा, इसी का एक और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और फिर एक बार और क्लिक करके, अब थोड़ा सा साइज की बढ़ाना पड़ेगी, इसकी घटाना पड़ेगी, इसकी बढ़ाना पड़ेगी, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, और इसको क्या करोगे, कंट्रोल पेज अप, क्या करोगे, की लगी रही थी ना ऊपर, वही लगा दी मैंने, कंट्रोल पेज अप, उसमें कांटे में रही थी ना वो लगा दी मैंने, मान लो। अब एक और चाहिए हमें, कौन सा, सिंगल,
अब हमें सेकेंड का, तो सेकेंड के लिए तो सीधी लाइन बना दो आप, क्या बना दो, रेड कलर से दे दी, रेड कलर की जगह और कोई कलर कर दे लो, मोटाई बढ़ा सकते हो थोड़ी बहुत, F12 आया, 3-4 कर दी, ओके। बन गया लो, ठीक है। तो अब जिस दिशा में आपको घुमाना है इसको, फिर वापस इस पे क्लिक करके पेज अप कर लो, जिससे ये हमारा पार्ट अंदर चला जाए। तो इस तरीके से आप वॉच बना सकते हैं। उन्होंने कहा 10 बज गए, तो इसको उठाया, ठीक है, उन्हें गई 10:15, बन गया ना। इस तरीके से हम 7 को भी पलट सकते हो, 7 भी गड़बड़ दिख रहा है, आठ में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी घुमा सकते हो चाहो तो, अक्षर सारे घुमा सकते हो, देखो ये तो हमें आता ही है। अरे अच्छा ये इधर से है, इसको यही डाल के या जैसा भी करना हो, तो एक एक अक्षर भी सुधारा जा सकता है, ठीक है। जहां जैसे जी 4 गलत दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है उल्टा, या जैसा भी चाहे पलट सकते हो, 3 को आप खड़ा रख सकते थे, क्लियर। अब बनाने के बाद जे जैसे अब पिक्चर के रूप में यूज कराना है, तो यहां से फाइल पे जाना है या कंट्रोल ई करना है, क्या करना है, फिर यहां से हम लिख दिया और PNG फॉर्मेट या जिस फॉर्मेट में आप सेंड करना चाहो तो उस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। अब जी ब्लैक एंड व्हाइट है, मान लो किसी ने कहा नहीं यार कलर चाहिए था, तो जी कलर वाली बन गई घड़ी। किसी ने कहा पिक्चर चाहिए थी, मान लो कई बार तुमने देखा होगा पिक्चर रहती है, पिक्चर कोई सी भी हो सकती है, कैसे इधर गए पिक्चर पे गए, चलो जी पिक्चर चाहिए हमें, ये थोड़ा सा स्टेप आगे का है, ठीक है। लेकिन अब इस पिक्चर को डालने से क्या होगा मालूम है, एक नंबर भी बदलना पड़ेगा आपको, पूरी घड़ी की रूपरेखा ही बदल जाएगी, देखो कैसे एक्स अरेंज फैक्ट्स और क्लिप, ये लिखा है, क्या लिखा है, प्लेस इनसाइड, अब वापिस इफेक्ट्स पावर क्लिप एडिट, कहां पर जाओगे, जे है, और इसे फिनिश कर दोगे, आ गया ना। अब आपको कलर चेंज करना पड़ेगा,
दिख रहा है ना, तब जाके वो घड़ी चल पाएगी, नहीं तो बंद हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी। देखो कंट्रोल ई, इस तरीके से हम